हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं भाई एनसीईआरटी के एक एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इसके कीवर्ड्स पढ़ेंगे। चैप्टर के कीवर्ड्स क्या हैं चैप्टर में? अमोनिया है, आर्टरी है, ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरी, सर्कुलेटरी सिस्टम, डायलिसिस, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हीमोग्लोबिन, हार्ट बीट, किडनीज, फ्लोएम, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, पल्स, रेड ब्लड सेल, रूट हेयर, स्टेथोस्कोप, स्वेट, टिश्यू, यूरिया, यूरिटर, यूरिथ्रा, यूरिक एसिड, यूरिनरी ब्लैडर, वेन, वाइट ब्लड सेल, जाइलम। ये सब हमने कीवर्ड पढ़े। अब चैप्टर की समरी क्या थी? समरी में है, सबसे पहले, इन मोस्ट एनिमल्स द ब्लड दैट सर्कुलेट्स इन द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट्स फूड एंड ऑक्सीजन। तो ब्लड क्या क्या चीज़ सर्कुलेट करता है? फूड एंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। ऑल्सो वेस्ट प्रोडक्ट लेके जाता है सेल से एक्सक्रीशन के लिए, ताकि वो बाहर जा सके। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? हार्ट होता है और ब्लड वेसल्स होते हैं, उसके अलावा ब्लड होगा। थर्ड है, इन ह्यूमंस ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स एंड हार्ट्स। हार्ट एक्ट्स एज अ पंपिंग ऑर्गन। तो ह्यूमंस में क्या होगा? ब्लड किस किस में फ्लो करता है? आर्टरीज में और वेन्स में फ्लो करेगा। और हार्ट किस तरह से फंक्शन करता है? एज अ पंपिंग ऑर्गन। ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो जो फ्लूइड जिसके अंदर ये सेल्स हैं वो प्लाज्मा है। और कौन सी सेल्स हैं प्लाज्मा के अंदर? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड हीमोग्लोबिन पिगमेंट। तो रेड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन आरबीसीज में, उसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट 70 to 80 टाइम्स पर मिनट इन एन अडल्ट पर्सन। ये हार्ट रेट है। हार्ट रेट ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन क्या आप एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल एक सिटिंग पर्सन का हार्ट रेट इतना होना चाहिए। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। आर्टरी क्या करेंगी? हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं। जो हार्ट से निकलता है बाहर लेके ब्लड को, वो आर्टरीज हैं। वो हार्ट से दूसरे ऑर्गन्स में ब्लड लेके जाती हैं। वेन्स क्या करेंगे? दे कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। जो सारे पार्ट से ब्लड लेके आती हैं हार्ट के अंदर, वो हैं वेन्स। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है ह्यूमंस में? टू किडनीज हैं, टू यूरिटर्स हैं जो पाइप किडनी से वेस्ट को लेके आती हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, उनको यूरिटर बोलेंगे। फिर नीचे यूरिनरी ब्लैडर है और नीचे जो पाइप है जो बाहर ओपनिंग होती है जिसकी, दैट इज़ यूरिथ्रा। सॉल्ट्स एंड यूरिया आर रिमूव्ड अलॉन्ग विद वाटर एंड स्वेट, ठीक है। तो वेस्ट रिमूवल के क्या क्या मैकेनिज्म हो गए हमारी बॉडी के अंदर? सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू, यानी कि जो ब्रीदिंग हो रही है उसके थ्रू, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है फ्रॉम द ब्लड। दूसरा, और यूरिया वगैरह का जो वेस्ट है वो कहाँ फिल्टर आउट होता है? किडनीज में होता है। यूरिया एंड ऑल अदर वेस्ट दे आर फिल्टर इन द किडनीज, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया हमारा। साथ ही साथ स्वेटिंग में सॉल्ट और वाटर होते हैं रिमूव। फिश एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंसेस सच एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर। फिश किस फॉर्म में करती है वेस्ट को रिमूव? अमोनिया के फॉर्म में। बर्ड एंड इंसेक्ट वो यूरिक एसिड के फॉर्म में करते हैं। वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय रूट्स फ्रॉम द सॉयल, ठीक है। रूट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल। न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग विद वाटर टू द इंटायर प्लांट वाया द वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड जाइलम। न्यूट्रिएंट्स जाइलम के थ्रू पूरे जो है प्लांट में ट्रांसफर होते हैं। द वेस्कुलर टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड फ्लोएम। और जो टिश्यू फूड को ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यू। अ लॉट ऑफ वाटर इज लॉस्ट बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टमेटा ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में बहुत सारा पानी जो है लूज होता है। ट्रांसपिरेशन जनरेट्स अ फोर्स विच पुल्स अप वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉयल टू रीच द स्टेम्स एंड द लीव्स।
ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन के वजह से एक जो है पुल प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो पानी है नीचे से वो ऊपर तक पहुंच पाता है प्लांट के अंदर। तो ये हमने भाई समरी कर ली चैप्टर की, ठीक है। तो समरी में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में दिया है पहले, जो हार्ट के थ्रू, हार्ट रही, वेन्स और हार्ट, ठीक है। उसके बाद आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसके अंदर किडनीज आ गई और स्वेटिंग है, ठीक है। उसके बाद प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल्स का, जाइलेमेंट फ्लोएम के थ्रू, वो है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, तो इसमें मैच द कॉलम्स है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो स्टोमेटा के साथ क्या मैच होगा? स्टोमेटा आपके जो है ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। जाइलम क्या करेगा? जाइलम का क्या काम है? एब्जॉर्प्शन, दे आर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डी ऑप्शन होगा सेकंड का। रूट हेयर्स क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं, तो ए होगा। फ्लोएम क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करेगा। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। फर्स्ट है ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा? ब्लड फ्रॉम हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज, ठीक है। हार्ट से ब्लड किसके, कौन पास करता है पूरी बॉडी को? आर्टरीज। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। आर्टरीज एंड वेन्स आर ज्वाइंड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। द मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स इज यूरिया। स्वेट कंटेंट्स वाटर एंड सॉल्ट्स। किडनी एलिमिनेट द वेस्ट मटीरियल्स इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड यूरिन। किडनीज एलिमिनेट द वेस्ट मटीरियल इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड यूरिन। वाटर रीचेज ग्रेट हाइट्स इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ द सक्शन पुल कॉज्ड बाय ट्रांसपिरेशन। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, पानी किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में? जाइलम के थ्रू। वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द प्लांट इन शेड, इन डिम लाइट, अंडर द फैन। तो अंडर द फैन रखेंगे अगर प्लांट के, तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे। कैसे ज़्यादा होगा ट्रांसपिरेशन? कि जो पानी निकल रहा है प्लांट से वो इधर उधर डिस्पर्स होता जाएगा, और इस तरह से और पानी निकलेगा ट्रांसपिरेशन के थ्रू, और जो है वाटर एब्जॉर्प्शन इनक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन प्लांट और एनिमल? तो भाई बहुत ज़रूरी है, जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन, अगर हमारे ब्लड में हो कितनी ज़रूरी है, सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए ताकि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो सके। सिमिलरली फूड जो एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में, वो हर सेल में पहुँचना ज़रूरी है, ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन होगा जिसका। उसके अलावा वेस्ट मटेरियल का रिमूवल होना बहुत ज़रूरी है, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट में भी, प्लांट में क्या क्यों इम्पोर्टेंट है कि जो रूट्स ने एब्जॉर्ब करी जो हमारा पानी और न्यूट्रिएंट्स, वो डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स तक पहुंचाना, और फूड जो लीव्स में बनता है उसको डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना, तो उस सब के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। व्हाट विल हैपन इफ़ देर आर नो प्लेटलेट्स इन द बॉडी? ब्लड, अगर ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है? ब्लड क्लॉटिंग। तो जब भी ब्लड क्लॉट कहीं पे अगर सपोज कट लग गया, तो ब्लड आना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो क्लॉट बन जाता है वहाँ पे। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो क्लॉटिंग नहीं बनेगी और ब्लड फ्लो होता रहेगा, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है प्लेटलेट्स। स्टोमेटा क्या होते हैं, क्या फंक्शन है स्टोमेटा के? स्टोमेटा होते हैं कि भाई लीफ के बैक साइड पे बिल्कुल स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, जो नेकेड आई से नहीं दिखेंगे आपको, बट माइक्रोस्कोप से लेंस के थ्रू आपको दिख जाएंगी। तो और इनका फंक्शन यही होता है कि भाई ये हेल्प करती हैं प्लांट को पानी का लॉस करने, मतलब एक तो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करेंगी, एक्सेस वाटर बाहर जाता है, और एक्सेस वाटर बाहर जाता है तो प्लांट को कूल डाउन में भी हेल्प करते हैं। दूसरे गैसेस के एक्सचेंज में भी इनका रोल है कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जो लेती हैं ये एयर से, उसमें भी स्टोमेटा ही हेल्प करते हैं। डस ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन? तो ट्रांसपिरेशन की वजह से सक्शन पुल क्रिएट होता है प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से जो पानी है रूट से और ऊपर तक आ पाता है, ठीक है। वट
जैसे मोटर की वजह से एक सक्शन पुल क्रिएट होता है, इसी तरह का काम करते हैं ट्रांसपिरेशन। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? ब्लड के क्या कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहले प्लाज्मा, जिस लिक्विड के अंदर ये सारी प्लेट सेल्स होंगी वो प्लाज्मा है। जो फ्लूइड पार्ट है ब्लड का वो प्लाज्मा है। उसके अलावा क्या है? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। बाय कैसे करेंगे? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही इसका कलर भी रेड होता है। और WBCs का क्या काम है? कोई भी इन्फेक्शन हो गया या जर्म्स एंटर कर गए बॉडी में, उनके अगेंस्ट फाइट करना WBCs का काम है। जो इम्यूनिटी है बॉडी की वो WBC की वजह से ही है। प्लेटलेट्स क्या करेंगी? क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, वाई इज़ ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी? ब्लड क्यों चाहिए हर पार्ट ऑफ द बॉडी को? क्योंकि ब्लड ही भाई जो फूड है उसको भी ब्लड कैरी कर रहा है डिफरेंट सेल्स में लेके जाना, ऑक्सीजन को भी ब्लड कैरी कर रहा है। यही दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सेल को फंक्शन करने के लिए। ठीक है, फूड और ऑक्सीजन मिलेगा तभी उनका ब्रेक डाउन होके एनर्जी मिलेगी और सेल अपने फंक्शंस को कंप्लीट कर पाएगा। उसके अलावा जब सेल में ने अपने ब्रेक डाउन कर लिया ग्लूकोज का, वहाँ पे जो वेस्ट बनेगा उसके रिमूवल के लिए भी ब्लड चाहिए। व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड? रेड क्यों होता है? वही हमने बात करी थी, रेड पिगमेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में, दैट इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कंबाइन कर उसकी वजह से रेड होता है। वो भी उसमें हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जिसकी वजह से उसका रेड कलर होता है। आगे जब हायर क्लासेस में डिटेल में उसका पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। तो डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट। फंक्शन ऑफ द हार्ट क्या है? पंप करता है वो ब्लड को, ब्लड कर कम, और वहाँ पे जो है हार्ट में जो ब्लड जाएगा वहाँ से लंग्स में जाएगा और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में आके फिर पंपिंग होती है उसकी। तो रिदमिक जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है हार्ट की, उससे जो है ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। Why is it necessary to excrete waste product? Waste product बहुत ज़रूरी है excrete करने, वरना वो toxic की तरह act करेंगे हमारी body में और cells को destroy करना शुरू कर देंगे। Draw a diagram of human excretory system and label various parts. तो excretory system यानी जो kidneys वाला जो है आप वो draw कर सकते हैं। तो अब ये नीचे एक्सटेंडेड लर्निंग में फाइंड अबाउट द ब्लड ग्रुप्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं? ए बी और ओ, इनमें भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद चेस्ट पेन हो गया, ECG कराने लेके गए तो ECG से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो आप पता कर सकते हो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो क्या चीज़ें हैं। और उससे क्या पता लगता है? उसे हार्ट बीट का पता लगता है कि हार्ट बीट में कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है। अगर कहीं पे कोई इरेगुलरिटी दिखती है हार्ट बीट में जो नहीं होनी चाहिए, तो उसके बाद फिर फर्दर टेस्ट करके उसको कंफर्म किया जाता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है वहाँ पे। अब डिड यू नो में है कि देर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर ब्लड। ठीक है, तो ब्लड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर पीपल लूज़ ब्लड फ्रॉम सर्जरी और इंजरी, तो वहाँ पे उस केस में ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसफ्यूजन होता है ब्लड का। ब्लड इज़ यूजली इन शॉर्ट सप्लाई, बट जो डोनेशन से आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं अगर, तो उससे कोई स्ट्रेंथ पे असर नहीं पड़ता है। उतना ब्लड वो बॉडी फिर बना लेती है बहुत जल्दी, उसको रिकवर कर लेती है। ठीक है, तो ये तो भाई नेक्स्ट हम करते हैं NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच स्टोर्ड यूरिन इज पास्ड आउट टू द बॉडी, पास्ड आउट ऑफ द बॉडी। तो आउट ऑफ द बॉडी किस ट्यूब से निकलते हैं? यूरिथ्रा से निकलते हैं। ठीक है, किडनी के बाद यूरिटर्स आते हैं, यूरिटर्स के बाद यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट वाला जो पार्ट है जिसके थ्रू यूरिन बाहर निकलता है वो है यूरिथ्रा। तो सी ऑप्शन है फर्स्ट का। देर दे आर पाइप लाइक कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज सेल्स, दे ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड फॉर्म अ टू वे ट्रैफिक इन प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स क्वालिफाई फॉर द फीचर्स मेंशन्ड अबव। तो भाई अब ये टू वे ट्रैफिक की बात कर रहा है। टू वे ट्रैफिक वैसे तो जनरल टर्म में फ्लोएम में होती है कि वो वहाँ पे जो फूड है वो नीचे, मतलब ऊपर से नीचे भी आता है और नीचे से ऊपर भी जा सकती हैं चीज़ें उसमें से। ठीक है, बट क्योंकि NCERT के अंदर आपका
फ्लोएम का इतना डिटेल्ड फंक्शन नहीं दे रखा, तो यहाँ पे आप वेस्कुलर टिश्यू भी आंसर दे सकते हो कि वेस्कुलर टिश्यू के अंदर आपके जाइलम एंड फ्लोएम दोनों आ गए और टू वे ट्रैफिक आपकी बन गई, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज टेक प्लेस इन, तो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो, या रेस्पिरेटरी गैसेस का या न्यूट्रिएंट्स का, वो कैपिलरीज में ही होता है क्योंकि कैपिलरीज में बहुत थिन वॉल्स होती हैं और ब्लड जो है एक्सचेंज कर सकता है अपने मटेरियल्स को उसके वहाँ पे। तो थर्ड इज डी आंसर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर स्वेट ग्लैंड्स एब्सेंट, स्वेट ग्लैंड्स कहाँ एब्सेंट होंगे, तो जहाँ पसीना नहीं आता आपकी बॉडी में कौन सा पार्ट है वो, लिप्स पे नहीं आएगा, बाकी स्कैल्प पे आता है, आर्मपिट्स में भी आएगा, पाम्स में भी आ जाता है, तो लिप्स पे नहीं आता है स्वेटिंग, तो वहाँ पे एब्सेंट होते हैं स्वेट ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ टॉल ट्री विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, तो टॉल ट्री के अंदर कौन होगा रिस्पॉन्सिबल, तो टॉल ट्री के अंदर भाई आपका जो सक्शन फोर्स दैट इज़ क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से जो क्रिएट होता है सक्शन फोर्स, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग वाटर, तो इसका 5th का सी आंसर है। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश एक्सक्रीट देयर वेस्ट इन गैशियस फॉर्म एस अमोनिया, ठीक है, तो एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो गैस के फॉर्म में अपना वेस्ट एक्सक्रीट कर रहे हैं, अमोनिया के फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है, और जो ह्यूमंस होते हैं वो यूरिया के फॉर्म में करते हैं लिक्विड फॉर्म में, बाकी जो जितने इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, लिजर्ड हो गए, वो किस फॉर्म में करते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ, मतलब यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड फॉर्म होती है उनकी, ठीक है। तो एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं फिश एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट को गैशियस फॉर्म में, और किस फॉर्म में, एस अमोनिया। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं, वेन्स हैव वॉल्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, आर्टरीज में वॉल्स नहीं होती लेकिन फिर भी ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, क्यों भाई, आर्टरीज में जो ब्लड आता है वो हार्ट से आता है हाई प्रेशर पे, तो इसीलिए वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, वेन्स में क्योंकि बॉडी पार्ट से जा रहा होता है ब्लड, तो वहाँ पे हाई प्रेशर नहीं होता ब्लड का, तो इसलिए उनमें वॉल्स होते हैं ताकि वो पीछे बैक फ्लो ना हो उसका ब्लड का। व्हाट इज़ द स्पेशल फीचर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट विच डज नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ब्लड, तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड क्यों नहीं होती हार्ट में, क्योंकि भाई अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे, 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम या ऑरिकल एंड लेफ्ट राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इनमें अलग अलग तरह का हार्ट होता है, जैसे डीऑक्सीजनेटेड हार्ट जो ब्लड आएगा वो सबसे पहले राइट ऑरिकल में आएगा, फिर वहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वहाँ लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में चला जाएगा, तो इसलिए मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होती वहाँ पे, क्योंकि अलग अलग चैम्बर्स हैं हार्ट के। वॉट इज स्पेशल फीचर, तो ये पढ़ लिया हमने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेम द ऑर्गन विच इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप टाइटली टिल्टेड टुवर्ड द हेड, तो लेफ्ट, तो ये हम हार्ट की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि ये फिगर दे रखी है हमें, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा वो हमने बनाना है, तो वो कुछ टाइम बाद क्या होगा, पानी का लेवल थोड़ा कम होगा और जो शुगर सॉल्यूशन का लेवल है, यानी कि जो पोटैटो के अंदर जो लिक्विड का लेवल है वो बढ़ जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर इन विच दे अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन एंड रिमूवल ऑफ यूरिन, तो सबसे पहले क्या होगा, वेस्ट ब्लड कंटेनिंग यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस रीचेस द किडनी, तो सबसे पहले ब्लड पहुंचेगा वहां पे तो डी आएगा, उसके बाद जो है वेस्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, यानी नहीं, यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब बैक इन द ब्लड, तो सबसे पहले डी, उसके बाद ई, एंड फिर आएगा आपका बी, वेस्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर इज फिल्टर्ड आउट एज यूरिन इन द किडनीज एंड यूरिटर्स कैरी यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर, और सबसे लास्ट में आएगा सी ऑप्शन, यूरिन स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग, तो डी ई बी ए एंड सी, ये ऑर्डर रहेगा।
ट्वेल्थ क्वेश्चन है, पहली अपरूटेड अ रोज प्लांट फ्रॉम द सॉइल, मोस्ट ऑफ द रूट टिप्स विद द रूट हेयर आर लेफ्ट बिहाइंड इन द सॉइल. उसने उसको प्लांट कर दिया कहीं और पानी भी दे रही है, तो क्या वो ग्रो करेगा भाई, क्योंकि रूट हेयर्स उसकी वहीं रह गई थी, तो प्लांट जो है ग्रो नहीं करेगा, रूट हेयर्स होने चाहिए थे उसके. और गिव रीज़न फॉर योर आंसर, तो यही रीज़न है उसका कि रूट हेयर्स क्योंकि वहाँ रह गए थे, इसलिए इससे बेटर होता कि वो सिर्फ स्टेम प्लांट कर देती उसकी, क्योंकि स्टेम के थ्रू वो फिर बाद में अपने रूट्स बना लेता. और रीज़न क्या हो सकता है कि भाई सॉइल कुछ ऐसी सॉइल में उसने प्लांट कर दिया कि जहाँ पे वो ग्रो ही ना कर सके. तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ए नेम द ओनली आर्टरी दैट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. आर्टरी वैसे हमेशा हार्ट में से निकलती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हार्ट से ही निकल रही है, हार्ट से दूर लेके जा रही है ब्लड को, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है उसके अंदर. वाई इज़ कॉल्ड एन आर्टरी, आर्टरी इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि भाई हार्ट से ही निकलती है, वो हार्ट से दूर लेके जा रही है ब्लड को, तो इसलिए आर्टरी ही बोलेंगे. बूजोज अंकल वॉज हॉस्पिटलाइज और डायलिसिस पे रखा गया. क्या होता है डायलिसिस, कि जब किडनीज फंक्शन नहीं करती हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूव करने के लिए ब्लड के अंदर से डायलिसिस किया जाता है. और क्यों नेसेसरी है ये ट्रीटमेंट भाई, क्योंकि अगर ब्लड में से वेस्ट नहीं निकाला जाएगा तो अल्टीमेटली पर्सन वुड डाई, तो उनका रेगुलर इंटरवल्स पे डायलिसिस किया जाता है जिनकी किडनीज फेलियर हो जाते हैं, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. नेम द प्रोसेस इन द ऑर्गन विच हेल्प्स इन रिमूविंग द फॉलोइंग वेस्ट. कार्बन डाइऑक्साइड को कौन रिमूव करता है, लंग्स करते हैं, और प्रोसेस किस थ्रू, प्रोसेस जो होती है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी. अनडाइजेस्टेड फूड को कौन रिमूव करता है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन, और कौन सी प्रोसेस हो गई, ईजेशन हो गई. यूरिन को कौन रिमूव करता है, किडनीज, कौन सी प्रोसेस हो गई, एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन हो गया. स्वेट को कौन करता है, स्वेट को आपके स्वेट ग्लैंड्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड वाटर रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर जाते हैं. अब आपको ये फिगर दे रखी है और आपको इसमें नाम इनके बताने हैं, तो चेस्ट ए है आपका चेस्ट डायफ्राम जो है, बी जो पाइप होगी, और ये ईयर पीस होंगे सी वाले, तो नेम है स्टेथोस्कोप. पहली नोटिस्ड वाटर बीइंग पुल्ड अप बाय मोटर पंप, यू वंडर्ड हाउ वाटर मूव्स टू ग्रेट हाइट्स इन टॉल ट्रीज, तो आप बता सकते हैं वही ट्रांसपिरेशन की वजह से उसमें सक्शन पुल क्रिएट होता है जिसकी वजह से वाटर मूव करता है टू ग्रेट हाइट्स. कॉलम वन और कॉलम टू को हमने मैच करना है, तो मतलब मैं वैसे बता देती हूँ आपको, राइट. सबसे पहले जो ब्लड वेंस जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उसको लेके कहाँ जाएंगी, राइट ऑरिकल में जाएंगी. राइट ऑरिकल से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा. तो पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू हार्ट, सॉरी लंग्स. लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगी, ऑक्सीजनेशन होगी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर पल्मोनरी वेन लेके आएगी आपके लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू द एओर्टा पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है. तो रीड द फॉलोइंग टर्म्स बिलो एंड ग्रुप करना है उनके ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है आपका, आर्टरीज आएंगी, एट्रिया आएगा, आर्टरीज को कंबाइंड फॉर्म में एट्रिया बोल देते हैं, ठीक है. आर्टरीज, एट्रिया, उसके अलावा हमारे पास वेन्स एंड हार्ट. आर्टरीज, एट्रिया, वेन्स एंड हार्ट किसके अंदर आ गए, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनिमल्स. एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस में क्या आ जाएगा आपका, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस में आपके पास आएंगे किडनीज, कैपिलरीज, ठीक है, एंड यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ जाएगा. और ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन प्लांट्स में आ जाएगा रूट हेयर्स, जाइलम, फ्लोएम, ये किसके अंदर आ जाएगा, और हमारे पास प्लांट्स के ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस में आ जाएगा. तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनिमल्स में आएगा आर्टरीज, एट्रिया, वेन्स एंड हार्ट. एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस में आएगा यूरिटर, यूरिथ्रा, किडनीज एंड यूरिनरी ब्लैडर. और प्लांट्स के अंदर रूट हेयर्स,
xylem एंड phloem ये प्लांट्स के अंदर आएगा. फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग जस्ट टू वर्ड्स आर्टरी या वेन, सिर्फ ये फिल करके आपको पूरे में यही फिल करना है बस. तो डैश कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आर्टरी कैरी करती है. एंड डैश कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम, तो बी में आएगा वेन, ए में आएगा आर्टरी. डैश हैव थिन वॉल्स, एंड थिन वॉल्स किसके अंदर होती हैं, वेन्स में. एंड डैश हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, तो थिक वॉल्स कहाँ होती हैं, आर्टरीज में, तो सी में वेन, डी में आर्टरी. ब्लड फ्लोज एट हाई प्रेशर इन आर्टरी, तो ई इज आर्टरी. वॉल्स आर प्रेजेंट इन वेन, तो एफ इज वेन, विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली इन ओनली टुवर्ड्स द हार्ट. डैश डिवाइड इंटू स्मॉलर वेसल्स, आर्टरी डिवाइड इंटू स्मॉलर वेसल्स. दीज वेसल्स फर्दर डिवाइड इंटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज, एंड द कैपिलरीज ज्वाइन अप टू फॉर्म वेन. ठीक है, तो वाइल राइडिंग अ बाइसिकल बूजो लॉस्ट इज बैलेंस एंड फेल, उसको ब्रूजेज आए और स्टार्ट ब्लीडिंग हो गई. हाउएवर ब्लीडिंग स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम, तो क्यों स्टॉप हुई ब्लीडिंग, क्योंकि भाई क्लॉटिंग हो गई, ब्लड क्लॉट हो गया प्लेटलेट्स की वजह से वहाँ पे. व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द वाउंडेड एरिया एंड वाई, डार्क ब्राउन कलर होगा, और क्योंकि क्लॉट की वजह से ही डार्क ब्राउन कलर होगा वहाँ पे. विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं. तो ये भाई हमने सारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के भी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी. तो वी हैव फिनिश दिस चैप्टर दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो थैंक यू फ्रेंड्स.